मेडिटेशन के समय जब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं, कोई सा भी मंत्र, तो कभी कभी हम मंत्रों के उच्चारण के समय डर जाते हैं। बहुत से लोग हैं डर जाते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे मेल करके ये अपनी क्वेरी पूछने की कोशिश करी थी कि मैडम हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं बट मंत्रों का उच्चारण करते करते कभी कभी हम इतना डर जाते हैं कि बहुत डर लगता है और हमें बीच में मंत्रों को रोकना पड़ता है। तो मैं सबसे पहले तो आप सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप मुझे मेल करते हैं, अपनी क्वेरीज मेरे साथ शेयर करते हैं, अपने एक्सपीरियंस को मेरे साथ बांटते हैं। और मेडिटेशन में आप सभी कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और करते भी हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है एक स्ट्रॉन्ग फेथ का होना किसी भी काम के लिए। अगर हमारे अंदर वो फेथ नहीं होगा तो हम किसी भी काम को अचीव नहीं कर सकते हैं। तो ये सच है कि मेडिटेशन के समय, किसी भी मंत्र के उच्चारण के समय हमें डर तो लगता ही है। ना चाहते हुए भी वो विचार हमारे सामने आते हैं कि ये डर है क्या चीज़, क्यों हमारे सामने ऐसी छवि बनकर ये डर आता है कि हमें मंत्रों का उच्चारण करना रोकना पड़ता है। अब कंटिन्यूशन में हम लगे हुए हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, या फिर ओम नमः शिवाय, या फिर जो भी एक्स वाई जेड किसी भी मंत्र का आप उच्चारण करते हैं। आप मंत्र को पूरी शिद्दत से पढ़ रहे हैं, लेकिन बीच में जब आपको लगता है कि एक डर आपको आ रहा है, आपकी तरफ अटैक कर रहा है, तो आप ना चाहते हुए भी वहाँ पे रुक जाते हैं। बट मैं आज आपको एक सोल्यूशन बताना चाहूँगी कि जब भी आप मंत्रों का उच्चारण करें या फिर कोई भी आप टास्क कर रहे हैं जो आपके मेडिटेशन से जुड़ा हुआ है, आपको आईज ओपन करके उस टास्क को करना है। बंद आंखों से आपको टास्क नहीं करना है, और सिर्फ 10 मिनट का टाइम पीरियड होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो भी डर है आपको वेलकम करना है। वो डर ही क्या, वो डर ही क्या जो डरा के ना जाए, वो डर ही क्या जो डरा के ना जाए, और वो इंसान ही क्या, और वो इंसान ही क्या जो अपने डर पर जीत ना पाए। तो इसीलिए आपको अपने डर को खुद से हराना है, जीतना है, और खुली आंखों से मेडिटेशन करना है। फिर आप मुझे बताइएगा कि ऐसा कौन सा डर था, ऐसी कौन सी नेगेटिव वाइब्स थी जिसने आपको ठेस पहुंचाया, जिसने आपके मेडिटेशन में बाधा बना, ज़रूर बताइएगा। और कोई भी आपको मेडिटेशन से रिगार्डिंग आपकी क्वेरीज होती है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट करके आपको मुझे बताना है किस टाइप का आप मेडिटेशन करते हैं और किस तरह से करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है। थैंक यू सो मच। नमस्कार।